नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस एवरीवन में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी वर्णमाला के 20 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जो हर बार टेट सी टेट में रिपीट होते हैं। और ये इस बार भी टेट सी टेट और लिखित परीक्षा में आपको सहायता करेंगे। आज हम हिंदी वर्णमाला के स्वर और व्यंजनों का अध्ययन करेंगे। तो इन स्वर और व्यंजनों को अलग अलग जीवा के आधार पे या मुख विवर के आधार पे बांटा गया है, जिनमें से एक क्वेश्चन हर एक टेट और सी टेट में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हमारे आज के प्रश्न। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे आगे वाले क्वेश्चंस हैं, उनमें जीवा के आधार पर, मतलब जीव के आधार पर स्वरों को तीन भागों में बांटा गया है, उनसे हम शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, अग्रस्वर कौन कौन से हैं। अग्रस्वर कौन कौन से हैं? तो अग्रस्वर मतलब जिनमें हमारी जीभ का आगे वाला भाग काम करता है, उनको हम अग्रस्वर कहते हैं। तो अग्रस्वर होते हैं ई ई ए ए, ई ई ए और ए। आगे वाला क्वेश्चन, मध्य स्वर किन्हें कहते हैं या मध्य स्वर कौन से हैं। तो दोस्तों, मध्य स्वर मतलब जिसमें जीभ का मध्य भाग काम करता है, मध्य स्वर केवल आ होता है। ध्यान रखिएगा, मध्य स्वर केवल आ होता है। तीसरा क्वेश्चन, पश्च स्वर कौन से हैं। पश्च स्वर मतलब जिनमें जीभ का पिछला हिस्सा काम करता है, पीछे वाला हिस्सा। तो पश्च स्वर कौन कौन से हैं? पश्च स्वर आ, ऊ, ऊ, ओ, ओ और औ। चलिए देखते हैं चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है, अर्ध विवृत स्वर कौन से हैं। देखिए, अब तक जो थे वो तीन थे जिनमें हमारी जीभ का हिस्सा काम करता है या फिर वो जीभ के आधार पर बांटे गए थे। अब जो है अर्धविवृत, तो विवृत का मतलब होता है खुला हुआ या ओपन। अर्धविवृत का मतलब क्या हुआ? मतलब आधा खुला हुआ। तो वे कौन से स्वर हैं जिनमें हमारा मुख अर्धविवृत यानी आधा खुला हुआ रहता है? वे स्वर हैं आ, ए, ओ और औ। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन, विवृत स्वर कौन से हैं। विवृत मतलब खुला हुआ, अर्धविवृत का मतलब था जिसमें हमारा मुख आधा खुला रहता है, और विवृत का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख पूरा खुला हुआ रहता है। तो हमारा मुख पूरा खुला रहता है केवल आ में। चलिए देखते हैं छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं। अर्ध संवृत स्वर कौन से हैं? तो संवृत का मतलब होता है बंद, यानी जिसमें हमारा मुख आधा बंद रहता है, उन्हें कहते हैं अर्ध संवृत स्वर। अर्ध संवृत स्वर में आते हैं ए और ओ। चलिए देखते हैं सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, संवृत स्वर कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, संवृत का मतलब होता है जिसमें हमारा मुख पूरा बंद हो जाता है, पूरा मतलब लगभग पूरा बंद होता है। संवृत स्वर होते हैं ई, ई, उ और उ। आगे देखते हैं आठवां प्रश्न, अव्रतमुखी स्वर कौन से हैं। अव्रतमुखी मतलब व्रत, जिसमें हमारे होठों से आधा व्रत बनता है, उन्हें कहते हैं अव्रतमुखी स्वर। तो अव्रतमुखी स्वर कौन कौन से हैं? अव्रतमुखी स्वर हैं आ, आ, ई, ई, ए और ए। चलिए देखते हैं नवा प्रश्न, व्रतमुखी स्वर कौन से हैं। व्रतमुखी मतलब जिनमें हमारे ओठ व्रत की भांति आकार ले लेते हैं, उन्हें कहते हैं व्रतमुखी स्वर। तो व्रतमुखी स्वर होते हैं ऊ, ऊ, ओ, ओ और औ।
दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर आप इन्हें आसानी से याद करना चाहते हैं तो हमारे जितने भी स्वर हैं उन सभी को अव्यतमुखी और व्यतमुखी में बांटा गया है, जिसमें आधे अव्यतमुखी के अंदर और बाकी व्रतमुखी के अंदर आते हैं। चलिए देखते हैं आगे दसवां प्रश्न। दसवां प्रश्न है, निर्नुनासिक स्वर कौन से हैं? निर्नुनासिक मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करते वक्त हमारी जो श्वास वायु है वो केवल मुंह से निकलती है, उन्हें कहते हैं निर्नुनासिक शब्द। तो निर्नुनासिक स्वर में आते हैं अ, आ, ई, उ और बाकी सब। अनुनासिक स्वर, अनुनासिक स्वर का मतलब होता है जिनमें हमारी जो प्राण वायु है वो मुंह के साथ साथ नाक से भी बाहर आए, तो वो अनुनासिक वर्ड होते हैं। अनुनासिक वर्ड में आते हैं वे वर्ड आते हैं जिनमें की चंद्र बिंदु लगा रहता है, शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु लगा रहता है। चलिए देखते हैं आज का 12वां सवाल। तो 12वां सवाल है, कंठ तालु वर्ण कौन कौन से हैं? कंठ तालु मतलब जिनमें कंठ और तालु का हम प्रयोग करते हैं, तो कंठ और तालु हैं ए और आई। चलिए देखते हैं 13वां सवाल। 13वां सवाल है, कंठोष्ठ वर्ण कौन से हैं? कंठोष्ठ मतलब जिनमें कंठ और ओष्ठ का हम प्रयोग करते हैं, कंठोष्ठ हैं ओ, ओ और औ। चलिए देखते हैं 14वां सवाल, दंत मूल वर्ण कौन से हैं? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, दंत मूल वर्ण को वत्स भी बोला जाता है, बहुत जगह ये वत्स के रूप में लिखा हुआ मिलेगा आपको, तो आप कंफ्यूज ना हो, इसे वत्स में भी र और ला, ये दोनों वर्ण दंतमूल वर्ण है। 15वां प्रश्न, मूर्धन्य वर्ण कौन से हैं? मूर्धन्य वर्ण, तो मूर्धन्य वर्ण होते हैं एक तो रि, श और ट वर्ग। ट वर्ग मतलब स्पर्श व्यंजन का ट वर्ग। 16वां सवाल, अर्ध स्वर कौन कौन से हैं? तो अर्ध स्वर य और व हैं, य और व। 17वां सवाल, लुंठित वर्ण कौन सा है? तो लुंठित वर्ण होता है रा। 18वां, पार्श्विक वर्ण कौन सा है? दोस्तों इन शब्दों को, इन वर्णों को खासकर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्यादातर पूछे जाने वाले वर्ण हैं ये, पार्श्विक और लुंठित वर्ण। तो पार्श्विक वर्ण होता है ला। आगे देखें, अल्पप्राण वर्ण कौन से हैं? तो अल्पप्राण मतलब जिनमें प्रत्येक वर्ग का, जो स्पर्श व्यंजन है हमारे उनके प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड होता है, अल्पप्राण पहला, तीसरा और पांचवा वर्ड। महाप्राण कौन से होते हैं? महाप्राण वर्ड में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ड, जैसे प्रत्येक वर्ग मतलब जैसे स्पर्श व्यंजन का हमारा का वर्ग है, तो का वर्ग के अंदर जो दूसरा वर्ड होगा जैसे खा और घा। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।